The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, चलिए शुरू करते हैं. आज हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन पे हम बात करेंगे आपसे कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और उसके लिए आपको क्या सिम्टम्स दिखेंगे, क्या साइंस दिखेंगे, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. डिहाइड्रेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आज आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्लास में. सो आइए शुरू करते हैं. राइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, ट्यूनिंग इन. राइट, सो समर्स शुरू हो गए हैं, गर्मी है. गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन सबको होता है, थोड़ा बहुत सभी को होता है. तो डिहाइड्रेशन होता है जब बॉडी के पास उतना पानी नहीं है जितना उसे चाहिए, बट ऑब्वियसली राइट. और अगर उतना पानी नहीं है तो डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे. डिहाइड्रेशन बहुत माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सिवियर भी हो सकता है, और उसी के बेसिस पे उसके साइन सिम्टम्स, उसके सारे ये चीजें आएंगे. तो मॉडरेट से सिवियर धीरे धीरे तब आता है अगर आप पानी नहीं पियोगे, यानी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करोगे. अब ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिवियर डिहाइड्रेशन मानोगे आप लिटरली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है. लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, सिवियर डिहाइड्रेशन से जान भी जा सकती है. यहां तक के अगर हम उसके यहां इसकी बात करें कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी लाइफ में आपको छोटे से छोटे सिम्टम्स से लेकर बड़े से बड़े सिम्टम्स कई बार डिहाइड्रेशन से होते हैं. और इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है, जैसे डिहाइड्रेशन से होगा क्या. ऑब्वियसली आपको प्यास लगेगी, आपकी स्किन जो है वो, आपकी माउथ जो है वो ड्राई हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, आप यूरिन ज्यादा नहीं करोगे, आपकी स्किन जो है येलो हो जाएगी, येलोइश डार्कर स्किन लगने लगेगी, थोड़ा यूरिन येलो हो जाएगी, स्किन येलो, यूरिन येलो हो जाएगी, स्किन ऑब्वियसली डार्क हो जाएगी, थोड़ी बहुत ठंडी लगने लगेगी. क्योंकि डिहाइड्रेशन में बॉडी क्या करता है, अपने शरीर को थोड़ा सा बाहर बाहर के इलाके में खून कम कर देता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर लेता है. हेडेक हो सकता है डिहाइड्रेशन से, मस्कुलर पेन, मसल क्रैम्प्स हो सकता है डिहाइड्रेशन के. ये सब सिवियर के नहीं है, ये तो नॉर्मल डिहाइड्रेशन के साइंस है. नॉर्मल डिहाइड्रेशन अगर है तो, अगर सिवियर डिहाइड्रेशन आ गया तो फिर आपको यूरिन आना बंद हो जाएगा, बंद हो सकता है, या बहुत ही ज्यादा डार्क अंबर कलर का यूरिन आएगा और आपका एकदम ड्राई, जिसको श्रिवल्ड स्किन कहते हैं, एकदम सूखी सूखी हुई त्वचा हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई. इरिटेबिलिटी होगी, कंफ्यूजन होगा, मतलब सिवियर हो गया तो कंफ्यूजन दिमाग में चढ़ जाएगा, दैट इज वन थिंग. आपको डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, दैट इज वन बिग इशू. हार्ट बीट रैपिड हो सकती है, हार्ट बीट तेज हो सकती है, हार्ट बीट के अलावा ब्रीदिंग तेज हो सकती है, सांसें तेज हो सकती है, रैपिड आईज अंदर शंकन, आईफॉल्स अंदर चले जाएंगे, शंकन हो जाएंगे, लाइट हेडेडनेस हो सकता है, यहां तक के आपका बीपी कम होके आपको हाइपोटेंशन में शॉक, यानी कि चक्कर आके गिर सकते हैं. हाइपोटेंशन, जिसको हम एक तरीके से ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी में नहीं जा पा रहा, उसको शॉक कहते हैं, वो भी हो सकता है. बेहोश हो सकते हो, कोमा में जा सकते हो, डिलीरियम हो सकता है. बोले हैं, जी हाँ, सिर्फ डिहाइड्रेशन, सिवियर डिहाइड्रेशन से ये सब हो सकता है. तो क्यों होता है डिहाइड्रेशन, कैसे होता है, सिर्फ कम पानी से नहीं, और भी कारण है उसके. राइट, नंबर वन, अगर तो आप बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते, अगर आप पानी नहीं पीते ऑब्वियसली तो एक तो वो है, या फिर अगर आप के शरीर से पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, जैसे कि हॉट वेदर है, बाहर घूम रहे हैं, बहुत ही पसीने से लथपथ, पानी भी नहीं पी रहे, प्रॉब्लम. राइट, देन बुखार हो गया, बुखार के बाद पसीना, बुखार के बाद पसीना, पसीना पसीना बहुत ज्यादा, और बुखार में गर्मी इतनी होती है शरीर में कि पसीना आए ना आए, शरीर इतना ज्यादा बॉडी में गर्माहट होती है कि पानी उड़ जाता है, राइट, वेपोराइज हो जाता है, पानी वेपराइज हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है. राइट, वॉमिटिंग से डिहाइड्रेशन होगा, डायरिया से डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी, वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन होगा. राइट, और अगर आप मान लीजिए ज्यादा पेशाब आ रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, किसी प्रकार का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, डायबिटीज ज्यादा हो जाए तो भी पेशाब ज्यादा आएगा, अनकंट्रोल्ड मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो भी ज्यादा आएगा. मान लो आपको कोई दवा चल रही है पेशाब ज्यादा आने की, डायूरेटिक, तो भी पेशाब ज्यादा आएगा, है कि नहीं. सो इन सब चीजों से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. और ये भी हो सकता है कि आप पानी ही ना पीते हो, पानी इनफ पीना, जो आपको 8 से 12 यानी 8 गिलास मिनिमम, 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, 3 लीटर मिनिमम मान लीजिए, 3 लीटर पानी पीना चाहिए, उतना नहीं पीते आप पानी को, पानी भी कम पीते हो, खाना भी कम खाते हो, या आप बीमार हो गए हो, किसी भी कारण से अगर आप बीमार हो गए हो तो शरीर में बीमारी में पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. बीमारी के साथ साथ डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन चीज है, या आपको उकाई आ रही है, इवन अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि सोर थ्रोट है, गला खराब है, सोर थ्रोट है, पानी पीने से दिक्कत हो रही है, पानी पीना बंद, डिहाइड्रेशन हो,
राइट right. आपको माउथ अल्सर है, पानी पीना बंद, आपका डिहाइड्रेशन हो गया, ऐसे कोई भी चीजों से दिक्कत हो जाती है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों में या एल्डरली लोगों में या जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है, डायबिटीज है, उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है। तो ये बात याद रखिए, डिहाइड्रेशन के रिस्क बहुत ज्यादा है, डिहाइड्रेशन बहुत खतरनाक चीज है, उम्दा प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है इससे। साइन सिम्टम्स की हमने बात कर चुके हैं, साइन सिम्टम्स के बाद आता है टेस्ट कि डिहाइड्रेशन में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। देखिए, जब एक पेशेंट आता है, उसको चक्कर आ रहे हैं, सिवियर डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम है और हमें लग रहा है ब्लड प्रेशर लो है, ड्राई स्किन है, सूखी हुई माउथ एकदम ड्राई है और शंकन आईबॉल, लाइट हेडेड, ऐसे रैपिड हार्ट बीट, ये सब चीजें लग रही है, हमें डिहाइड्रेशन है, तो ब्लड प्रेशर लो होगा। तो पहले ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ऐसे डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स में क्या होगा, जैसे ही आप खड़े होंगे ब्लड प्रेशर लो, चक्कर आ जाएगा, जैसे लेटेंगे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है, अगेन अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, राइट। और भी चीजों में ऐसा होता है, बट दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, राइट। फिर ब्लड प्रेशर लो रहेगा तो आपको ऑब्वियसली और भी कई साइंस होंगे, एग्जामिन करेंगे तो फिंगर टिप्स थोड़े व्हाइट होंगे, फिंगर टिप्स व्हाइट हो सकते हैं, जो कि अगर हमने दबाया तो यहां पे दबाओगे तो एकदम वापस लाल हो जाते हैं, लेकिन आपके कम होंगे, दबाने से फिर छोड़ देंगे तो लाल हो जाते, लाल व्हाइट लाल फट से हो जाते, तो वो बहुत धीरे धीरे होगा। दैट मींस वो प्रोसेस आपका जो कैपिलरी रीफिलिंग, इसमें भी देख सकते हैं, डिहाइड्रेशन का साइन बहुत इजी है। अगर आप स्किन को ऊपर टक करते हैं ऐसे, इस तरह से, तो स्किन को ऊपर टक करेंगे तो उसके बाद जब इसको छोड़ते हैं तो ये फट से वापस चला जा रहा है। दैट मींस नॉन डिहाइड्रेटेड, जो डिहाइड्रेट होंगे ना वो ऐसे धीरे 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 जाएगा। ये भी एक साइन है डिहाइड्रेशन का, बहुत जोरदार साइन है। तो डिहाइड्रेशन ऐसे भी चेक कर सकते हैं, टंग ड्राई होगा तब पता चलेगा, स्किन होगी नॉन इलास्टिक, नॉर्मल से ज्यादा ड्राई, सूखी हुई, हार्ट बीट बड़ी हुई होगी। सो ये सब चीजों से पता चल जाता है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन है कि नहीं है। एंड ऑब्वियसली फिर डिहाइड्रेशन है, उसके कॉजेज ढूंढे जाते हैं कि कहीं कोई किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई मान लीजिए यूरिन प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई डायबिटीज तो नहीं है, कहीं शुगर टेस्ट करके देखा जाता है कि कोई किसी भी प्रकार का फीवर बीमारी ऐसी जिससे डिहाइड्रेशन हो जाए वो तो नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू चेकअप, राइट। चेकअप बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर ट्रीटमेंट, भाई डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन में पानी की कमी, तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। सो डिहाइड्रेशन में सबसे पहला जो इलाज करा जाता है वो है कि पानी पियो, ट्राई सिपिंग वाटर, जितना हो सके पानी पियो, सिपिंग वाटर, सकलिंग ऑन इट, या फिर आप आइस क्यूब्स, लिटरली आइस क्यूब्स मुंह में डाल सकते हैं, अगर सक कर सकते हैं आइस क्यूब्स, सक कर सकते हैं, चूस सकते हैं आइस क्यूब्स को, और आप पानी पीजिए या स्पोर्ट्स ड्रिंक पीजिए या इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी पीजिए, इलेक्ट्रोल पीजिए, ORS पीजिए, नमक पानी का, नमक शक्कर का घोल पीजिए, ये सब काम करते हैं, नारियल पानी पीजिए, ये सब काम करते हैं डिहाइड्रेशन को ठीक करने में, राइट। जल्दी जल्दी से जल्दी, नॉर्मल पानी से बेहतर आता है नमक पानी, नमक शक्कर वाला, इलेक्ट्रोल, नारियल पानी, ये सब नॉर्मल पानी से बेहतर आपको डिहाइड्रेशन से जल्दी ठीक कराते हैं। आपको क्या नहीं लेना है, सॉल्ट की टैबलेट्स नहीं खानी, नमक, सिर्फ नमक का टैबलेट नहीं खानी है, नमक ज्यादा इस तरह से लेने से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। आपको अपने डॉक्टर से चेकअप करा के टेस्ट करना है कि आपको डायबिटीज तो नहीं है, कोई किडनी की बीमारी तो नहीं है, कोई यूरिन प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पेशाब की प्रॉब्लम तो नहीं है, इस सब चीजों को देखना पड़ता है कि अगर आपको बार बार डिहाइड्रेशन हो रहा है तो। और अगर सीरियस कंडीशन लग रही है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, तो फिर आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, यानी कि आपको जो आम भाषा में ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, वो ग्लूकोज हमेशा नहीं होता, आईवी फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स में आपको देके, अगर मान लो कोई हीट इमरजेंसी हो रही है, कोई हीट एग्जॉशन हो रहा है, जिसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, हमारी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं, हीट इमरजेंसी समर वाली वीडियो में, उसके लिए उसमें फिर हॉस्पिटल में जाना जरूरी होता है, आपको आईवी फ्लूइड्स चढ़ते हैं और आपके कॉज पकड़ के उसको ठीक किया जाता है। अगर कोई एक्चुअल इन्फेक्शन है, कभी कभी स्टमक के अंदर एक वायरस, वायरल इन्फेक्शन से भी गैस्ट्राइटिस, डिहाइड्रेशन पॉसिबिलिटी होती है। वायरल इन्फेक्शन में भी मतलब हर प्रकार के, इवन सोर थ्रोट में डिहाइड्रेशन हो सकता है, फीवर में डिहाइड्रेशन हो, स्टमक में हो सकता है। सो वायरल इन्फेक्शन हो तो उसको फिर अगेन आईवी फ्लूइड से या बहुत सारे प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड से ट्रीट किया जाता है। हमेशा याद रखिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई खास मेडिकेशन नहीं आती है, अल्टीमेटली आपको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट या फिर जो सिंपल ट्रीटमेंट होता है उससे ही मेन ट्रीटमेंट करना पड़ता है। याद रखिए, डिहाइड्रेशन का साइन जब तक आते हैं, जब तक आपको प्यास लगती है, आप ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो चुके हैं। कई बार सुना होगा आपने, और इसमें सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, जब तक आपको प्यास लगती है आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो चुके होते हो। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं ये भी जानना जरूरी है कि भाई अगर डिहाइड्रेशन हो गया और प्रॉब्लम हो गई तो क्या मैं मर सकता हूं? जी हाँ, आपको डिहाइड्रेशन कैन कॉज डेथ, बहुत भारी चीज है, और इवन इट कैन कॉज ब्रेन डैमेज, परमानेंट ब्रेन डैमेज, इट कैन कॉज मसल क्रैम्प्स एंड सीजर्स, तलवाजन जो बोलते हैं अपन, दौरे पड़ना, वो भी होता है डिहाइड्रेशन में, ठीक है। तो ये हुई बात सारी एक डिहाइड्रेशन की। अब समझते हैं कि भाई मैं अगर इसकी बात करूं कि डिहाइड्रेशन है नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जाऊं कब जाऊं,
सिंपल सी चीज है, अगर प्यास लग रही है पानी पी लो, पानी पी पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, उल्टी नहीं आ रही, बहुत अच्छा। अगर आपको बुखार ज्यादा है 103 104 के ऊपर, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रही है, अलर्टनेस में प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन हो रहा है, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि धड़कन पल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, या फिर अगर आपकी दिक्कत पानी पीने से भी ठीक नहीं हो रही, तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन, लास्ट थिंग हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन कैसे करें। देखिए प्रिवेंशन के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, आपको पानी पीना पड़ेगा खूब, प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स, ओरल वाटर एवरी डे। लिक्विड मैटर करते हैं, दूध दही दाल चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक सब मिला के 3 लीटर के आसपास पानी पीजिए, राइट। गर्मी में ज्यादा पीजिए, ठंड में थोड़ा सा आधा लीटर कम पी लो, 1 लीटर कम पी लो, चल जाएगा। बच्चों पे और बड़े पे एल्डरलीज पे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि वो सही मात्रा में सही टाइम पे पानी पिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। और अगर आपके फैमिली में कोई बीमार है तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, कि दवा तो ठीक है लेकिन पानी का इंटेक कम नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। और किसी को भी फीवर है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, तो उनको पानी खूब पीना चाहिए। हर बार वॉमिट आ रही है फिर पानी पियो, हर बार डायरिया आ रहा है उसके बाद 1 गिलास पानी पियो, लूज मोशन हो रहे हर बार लूज मोशन के बाद 1 गिलास पानी पियो, ये जरूरी चीजें हैं। लूज मोशन के ट्रीटमेंट में भी ये जरूरी है, दवाई तो बाद में आती है, पहले ये है डिहाइड्रेशन प्रिवेंशन, ORS इलेक्ट्रॉल वो वाला पानी, नारियल पानी। अगर आपको लग रहा है कि आपके फैमिली में आप कोई भी डिहाइड्रेट हो रहे हैं, होने वाले हैं, मतलब ऐसा लग रहा है साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर अपने डॉक्टर से तुरंत बात करें ताकि वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बच सके, ठीक है। तो ये हुई सारी बात डिहाइड्रेशन की दोस्तों, आई होप आपको समझ आई हो। जरूर अपने दोस्तों को ये पॉइंट समझाने हैं, समर शुरू होने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सो प्रिपेयर रहिए, सबको नॉलेज दीजिए और देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन।